यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फिफ्थ। आज हम पढ़ रहे हैं पैसेज थर्ड, ठीक है। जो चैप्टर हमारा चल रहा है पेज नंबर, हमें पढ़ना है पेज नंबर 139। ओके, आप सब भी ओपन कर लीजिए। इस चैप्टर के हमने दो पैसेज पढ़ लिए थे जिसमें बात हो रही थी कि क्लासरूम गंदा किसने किया है। ये बात चल रही थी, बच्चे बहुत शोर मचा रहे थे, ठीक है। मंजीत और राजू, बिट्टू, नेहा, ये सब कैरेक्टर्स इसमें आ चुके हैं। टीचर क्लास में आते हैं तब टीचर डांटती है कि आप सब बात क्यों कर रहे हो, इतना शोर क्यों मचा रहे हो। तब सभी बच्चे उस बात को बताते हैं कि क्लास में किसी ने कचरा किया है, पेपर के टुकड़े पड़े हैं, ठीक है। उस बात पर टॉपिक हो रही है। अब टीचर क्या कह रहे हैं, वेरी गुड माई चिल्ड्रन। अब उनमें से कुछ बच्चों ने बताया ना कि हम अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं, जैसे नेहा ने बताया था, राजू ने बताया था। तो टीचर कह रही है कि बहुत अच्छी बात है, वी वर्क एट होम आवर सेल्व्स एंड हेल्प आवर फैमिली मेम्बर्स। वो क्या कह रहे हैं टीचर, कि हम खुद अपने घर पर काम करते हैं और अपने फैमिली मेम्बर्स की मदद करते हैं। जो बच्चे अपने घर पर काम नहीं करते, इसका मतलब वो अपना घर समझते ही नहीं है। देखो, अपने घर का काम तो अब खुद हमें ही करना पड़ेगा ना। कोई ये थोड़ी है कि पेरेंट्स ही करेंगे, हमारी मम्मी ही करेगी। तो ये आपको मैं इस जो पैसेज पढ़ा रही हूँ, इस पैसेज से आपको मैसेज भी देना चाहती हूँ कि सारे वो बच्चे जो ये सोचते हैं कि नहीं, काम तो ये सिर्फ मम्मी का है या फिर मेरी सिस्टर का है, क्योंकि बॉयज़ ज़्यादातर ये सोचते हैं। गर्ल्स तो फिर भी काम करवा देगी, लेकिन बॉयज़ यही सोचते हैं कि नहीं, ये तो गर्ल्स का काम है, ये हमारा काम नहीं है। तो ये नहीं सोचना है, हमको सबको अपने पेरेंट्स की हेल्प करवानी है। चाहे वो फादर का काम हो, उनके किसी जॉब में अगर शॉप है तो हम उसमें हेल्प करवा सकते हैं, उनका कोई बिजनेस है उसमें हम जितनी हो सकते हैं हम अपनी हेल्प करवा सकते हैं, और हाउस होल्ड वर्क में भी हमारे मदर की हमें हेल्प करवानी पड़ती है। क्योंकि अगर आपकी मदर हाउस वाइफ है, उसके अलावा वो जॉब भी करती है, तो आप खुद सोचिए कि परेशानी होती है ना। ऐसे में फैमिली मेम्बर्स ही एक दूसरे की हेल्प कर पाएंगे। तो इस बात को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए हमें कि हम अपने घर पे हम खुद काम करते हैं और अपने फैमिली मेम्बर्स की मदद करते हैं। देर वी डोंट थिंक वेदर आवर हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ आर आवर जॉब्स और नॉट। मतलब तब हम ये सोचते हैं क्या कि हमारा ये जो घर का काम है ये हमारा कोई जॉब है या नहीं? तब हम ये कहते हैं कि नहीं, हमको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये मेरा काम थोड़ी है। हम ऐसा सोचते हैं क्या? हम यही सोच कहते हैं ना कि ये तो हमारा घर है, हमारे घर का काम तो हमें ही करना पड़ेगा। तो उसी तरह हमें स्कूल में भी यही सोचना चाहिए। अगर आपकी स्कूल है तो वो आपको ही उसमें सफाई रखनी पड़ेगी। ये थोड़ी सोचोगे ये हमारा काम थोड़ी है, ये तो आंटी का काम है। ये आपका क्लासरूम है तो वो आपको ही साफ रखना पड़ेगा। ये नहीं है कि नहीं ये वाला ये बच्चा कर लेगा या ये हम क्यों करें, ये हमारा काम नहीं है। हम जैसा अपना घर समझते हैं वैसे ही हमें स्कूल भी समझना है। और जो आदतें हम घर पे रखते हैं, अच्छी आदतें, कि घर को स्वच्छ रखना है, अपनी चीज़ें संभाल कर रखनी है, जहाँ पर जो चीज़ है वो वही रखनी है, वही हमें स्कूल में भी समझना है। इन द सेम मैनर आवर स्कूल इज़ ऑल्सो लाइक अवर होम। तो स्कूल भी हमारा घर ही है ना। वी लिव हेयर टुगेदर एंड स्टडी इन ए फ्रेंडली एटमोसफियर। हम यहाँ पर साथ में रहते हैं। देखो, आप 6 आवर्स साथ में रहते हो, 6 आवर्स से भी ज़्यादा पढ़ाई भी करते हो अपने फ्रेंड्स के साथ में। और कैसे एटमोसफियर में रहते हो आप? फ्रेंडली एटमोसफियर। टीचर्स भी हैं तो वो आपसे आपके फ्रेंड की तरह बात करती है, आप भी अपने टीचर को रेस्पेक्ट भी देते हो और साथ में उनसे अपनी बातें शेयर करते हो, अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हो। अगर आपकी कोई फैमिली प्रॉब्लम भी है तो भी आप टीचर्स को बताते हो ना, टीचर्स आपको गाइड करती है, मोटिवेट करती है। शुडेंट वी थिंक ऑफ इट्स क्लीनलीनेस ऑल्सो। तो हमें जब इतना अच्छा एटमॉस्फेयर मिलता है तो क्या हमको वहाँ पर स्वच्छता रखने का नहीं सोचना चाहिए कि हमें स्कूल को साफ रखना है? इफ़ वी मेक इट डर्टी, अगर हम उसे गंदा करते हैं, हु विल क्लीन इट? बताओ कौन साफ करेगा? अगर हमने गंदा किया तो कौन साफ करेगा? आपका आंसर होगा आंटी साफ करेंगे। लेकिन क्यों आंटी क्यों साफ करेंगे? आपने गंदा किया है, आंटी क्यों साफ करेंगे?
क्योंकि आप अगर किसी का भी इतना वर्क ज़्यादा बढ़ा देते हो तो कोई भी परेशान होगा, होगा ना परेशान। इसीलिए हमेशा ये सोचना चाहिए कि अगर स्कूल हमारी है तो हमें वर्क करना है, हमें उसको एटलीस्ट गंदा तो नहीं करना है, ठीक है। आई थिंक वी शुड डू इट अवर सेल्स, मैं ये सोचता हूँ कि हमें ये हमें खुद करना चाहिए। आपके अगर चेयर्स है, आपकी टेबल है, उसको आपको ये नहीं है कि अगर आप क्लीन करने का कह रहे हैं, अगर आप उस पर पेंसिल के मार्क करोगे, इरेजर के, पेन के, तब तो आपको ही गंदा करना पड़ेगा, आपको ही साफ़ करना पड़ेगा क्योंकि आपने गंदा किया है। तो आप पहले से ये सोचो कि मैं उसे गंदा ही नहीं करूँ, है ना। तो आपको अपनी स्कूल को अपना घर समझकर रखना है। अब हम पढ़ेंगे पैसेज 4। दे ऑल स्टार्ट अरेंजिंग द टेबल्स एंड बेंचेस। देखो सारे बच्चे टेबल और चेयर्स को अरेंज जमाने लग गए। देन दे वाइप द डोर्स एंड स्वेप द फ्लोर। उन्होंने क्या किया, डोर को भी वाइप किया और फ्लोर को भी साफ किया, स्वेप्ट किया, मतलब उन्होंने दरवाजे और फर्श धोए और उन्हें पोछा लगाया, साफ किया, वाइप किया। राजू कह रहा है आई विल रिमूव ऑल द कोवेब्स ऑन द वॉल यूजिंग ए स्टूल, आई विल क्लीन माई स्कूल। देखो ये पोएम बनी है, मकड़ी के जाले होते हैं ना, कि मैं क्या करूँगा, मैं सब हटा दूँगा, दीवार पे से मकड़ी के जाले हटा दूँगा स्टूल का यूज़ करके, और आई विल क्लीन माई स्कूल, मैं अपनी स्कूल को क्लीन करूँगा। नेहा क्या कह रही है, आई विल स्वीप द फ्लोर एंड वाइप द डोर, मैं पोछा लगाऊंगी, डोर को भी पूछूंगी यूजिंग ए ब्रूम, ठीक है, यूजिंग ए ब्रूम मतलब झाड़ू होता है ना, आई विल क्लीन माई रूम। देखो स्वीप मतलब क्या हुआ, टू क्लीन विद ब्रश, मतलब ब्रश से साफ करना, स्वीप करते हैं ना हम, और वाइप क्या होता है, टू क्लीन डस्ट विद क्लोथ, मतलब हम एक जो कपड़ा होता है पोछा लगाते हैं ना हम कपड़ा, उसको उससे डस्ट साफ करना, वाइप करना, स्वीप मतलब उससे ब्रश से, मतलब झाड़ू होता है ना एक, उससे धोना पानी का यूज़ करके। तो ये बच्चे सब स्कूल को साफ करने में लग गए। अब हम चलेंगे फिफ्थ पैसेज पे। सभी बच्चे कह रहे हैं वी विल ग्रो फ्लावर प्लांट्स विद टीचर्स एंड आर्ट, स्कूल इज अवर टेम्पल, नॉलेज इज एम्पल, ठीक है। मतलब ये क्या कह रहे हैं, अब हम सफाई तो कर दी, अब हम पौधे लगाएंगे टीचर्स और आंटी के साथ में मिलके, क्योंकि स्कूल हमारा मंदिर है और हमको यहाँ पर नॉलेज मिलता है, मोर देन इनफ, मतलब अधिक से अधिक हमें नॉलेज मिलता है। टीचर क्या कह रही है, यू आर ऑल राइट, आप सभी बिल्कुल सही हो, लेट्स मेक अवर स्कूल ब्राइट, अपने स्कूल को ब्राइट बनाओ, मतलब एकदम साफ स्वच्छ उजला बनाओ। इफ़ वी आर ड्यूटीफुल भारत विल बी ब्यूटीफुल, मतलब अगर हर बच्चा ये चीज़ सोचेगा कि हमको अपना ही स्कूल साफ करनी है, सारे बच्चे एक दो ऐसे करते करते सारे बच्चे अगर ये सोचेंगे, ड्यूटीफुल मतलब अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान रहेंगे कि हमें ये हमारी ड्यूटी है, हमें ये करना ही है, तो हमारा जो भारत है मतलब इंडिया है वह बहुत सुंदर बन जाएगा। अब आपको होमवर्क में क्या करना है, इस चैप्टर के ये पूरे 5 पैसेजेस पढ़ने हैं और इसके क्वेश्चन आंसर आपको दिए हुए, आपको ट्राई करना है कि आप पैसेज में से ढूंढो, ओके। आपको अभी नोटबुक में नहीं करने हैं क्योंकि मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको, पहले आपको ट्राई करना है, पैसेज को वापस पढ़ना है 5 पैसेजेस, और इसके वर्ड मीनिंग्स भी पढ़ने हैं, ओके स्टूडेंट्स।